गुड इवनिंग फैमिली, हैप्पी दीपावली एंड काली पूजा ऑल। तो जैसे कि हम लोग यूपी से कटवा आ चुके हैं और आज होने वाला है दुकान में पूजा, और बहुत दिन हो गया मैंने आप सबके साथ कोई भी नया ब्लॉग नहीं शेयर किया। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और पंडित जी आने वाले हैं शाम के 4 बजे। तो अभी मैं चल रही हूँ, फटाफट ड्रेस चेंज करूँगी, उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी बज रहे हैं 3:30 और पंडित जी के आने का टाइम भी हो गया है। तो मैं अभी फटाफट ये सारे फल धो के काट लूँगी। और यहाँ पर देखिए गाइस लड्डू की मस्ती चल रही है, पता नहीं ये इशारे से क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो सारा फल काटना हो चुका है और ये जो मैंने 5 फल अलग से निकाले हैं ये भगवान जी को चढ़ेगा। तो चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या हो रहा है नीचे। अभी यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं और पूजा की सारी तैयारी कर रहे हैं, अभी सब कुछ सजा रहे हैं और पापा भी सब फूल वगैरह सब सजा रहे हैं। और यहाँ पर शुभ लाभ लिखने जा रहे हैं। तो चलिए सब कुछ कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओम चतुर्गुणस्ते ओम कातिमासे तुम्हें ओम चित्ती दो इतने गुणस्ते शिवों देवों का पूजा। तो गाइस पंडित जी आ चुके हैं और पूजा भी स्टार्ट हो गया है। अभी मैं और लड्डू चल रहे हैं ये सारे दिए छत पे जलाने के लिए। तो चलिए चलते हैं छत पे। तो गाइस देखिए मैंने सारे दिए जला दिए पूरे छत पे, और दिवाली में यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हर एक जगह हर एक तरफ उजाला ही उजाला होता है। तो गाइस फाइनली लास्ट वक्त पे रीमा और सोमा आ रही है, ये देखिए। हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली। तो पूजा हो चुका है दुकान में और सारा दिया भी जल चुका है, मैंने आप सबको दिखा चुका है। अब यही दोनों बाकी थे दिखाने के लिए। Oh my God! Wow! तो इन दोनों को भी देख लीजिए, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर इंस्टाग्राम के रील्स बना रही है।
तो चलिए चलते हैं अब नीचे और देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। যা করে দিচ্ছেন সব ভালো, সব ভালো, কোনো খারাপ নাই। तो ये दूसरी बार है जब मैं फल काटने बैठी हूँ, ऐसे भी 3-4 बार काटना पड़ेगा। तो पहले मैं फल काट लेती हूँ, उसके बाद मेरे घर के पास ही 2 मंदिर हैं तो मैं वहाँ पर जाऊँगी और आप सबको काली माता की दर्शन करवाऊँगी। तो चलिए फटाफट मैं फल काट लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं। चल रही है मंदिर में, ही पास में एक मंदिर है काली माता का, तो वहाँ पर चल रहे हैं। और ये है मेरी एक सिस्टर, इसका नाम है सुधा। तो चलिए चलते हैं मंदिर में जाके मिलते हैं। ओ पीछे बाबू कुछ है, फ्रेंड ये लोग घूम के चल रहे हैं घर। तो गाइस हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं अपने मोहल्ले में माता के दर्शन के लिए। कैसा लग रहा है तुम सबको बताओ कुछ। इसके साथ मैं शायद 2 साल बाद मिल रही हूँ, अगले साल पूजा में नहीं थी, इस साल मिल रहा है, हो गया 2 साल। तुमको कैसा लग रहा है इस साल हम लोग 2 साल? अच्छा लग रहा है। और इसको तो
लड्डू को भी सब जानते हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर। आज मैंने खाने में बनाया कोहरे की सब्जी, सूरन की सब्जी, पूरी और खीर। तो अभी रीमा खा के बताएगी कौन सा कैसा बना है। দেবাল এবার এবার কি হলো মুখে বলবি তো কোনটা কেমন হয়েছে। कौन सा अच्छा लगा और कौन सा खराब लगा? कौन सा स्वाद अच्छा था? कौन सा सब्जी का? एक गट्टे की सब्जी खा के। गट्टा नहीं था, वो सूरन का सब्जी था। गला कुट कुट कर रहा है। आधा हिंदी आधा बंगला बोल। और खीर गले में खुजली हो रही है। अच्छा, खीर बहुत बढ़िया था। और कद्दू की सब्जी? हाँ, वो भी बहुत बढ़िया था। अच्छा, हो गया। चलो अब गुड नाइट, टाटा बाय बाय, खत्म। हे गाइस, तो अभी बज रहे रात के 10:30 और मैं अभी छत पे आके चुपचाप बैठी हूँ क्योंकि खाना पीना सब कुछ हो गया है। रीमा भी आई थी, वो भी चली गई, उसकी मम्मी आई थी लेके गई उसको। और आप सबकी दिवाली कैसी गई, किसने क्या किया मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी दिवाली तो मतलब ऐसा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं गया। हाँ, एक चीज़ की जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ दिवाली, मतलब दिवाली में कुछ अधूरा अधूरा सा पल लग रहा है, पल नहीं लग रहा है, मतलब कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है इस बार की दिवाली, क्योंकि इस बार मैंने पटाखे नहीं लगाए तो इसलिए थोड़ा सा सैड सैड लग रहा है। दिवाली हो और पटाखे ना हो, यहाँ पर कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है, इसलिए नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अगले साल की दिवाली बहुत ही अच्छी गई थी, पटाखे भी थे, दोस्त भी थे बहुत सारे। इस बार ना ही पटाखे ना ही पहले वाले दोस्त हैं, इसलिए थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है। और आप सबकी दिवाली कैसे गई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं अपने चैनल को बहुत जल्द ग्रो कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय।